अखिल भारतीय मेवाड़ा गाडरी युवा महासभा एवं देवसेना के संयुक्त तत्वावधान में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। युवा संभाग अध्यक्ष फेरूलाल खायड़ा ने बताया कि झालरा थाना पंडेर तहसील जाजपुर निवासी धर्मराज गाडरी पुत्र जीतमल गाडरी ने 7 अप्रैल को आत्महत्या कर ली, जिसके संबंध में थाना पंडेर में मुकदमा दर्ज है। धर्मराज की आत्महत्या का आरोपी भीमपुरा निवासी मुश्ताक खान है, जिसने धर्मराज को जान से मारने की धमकियां दी। ज्ञापन में आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने वे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई। इसके अलावा मृतक के पुत्र की शिक्षा दीक्षा व लालन पालन की व्यवस्था सरकार द्वारा करने, मृतक की पत्नी को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी देने, मृतक के माता पिता को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने और आरोपी को सरकारी नौकरी से बर्खास्त करने की मांग विज्ञापन में की गई है। ज्ञापन में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि 3 दिन में मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देते समय गाडरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम प्रतापगढ़, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष पद्री सुमानी, समाज सेवक रतन चित्तौड़, पूर्व प्रदेश महासचिव कैलाश, प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल लाल आदि उपस्थित थे। गाडरी समाज का नौजवान धर्मराज की जो हत्या हुई उसको आत्महत्या के लिए जिसने प्रेरणा दी, प्रोत्साहित किया, अभी तक सरकार ने उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं की। हम चाहते हैं इस समाज ने जो आवाज़ उठाई तत्काल प्रभाव से उसके ऊपर कार्रवाई करके सरकार उसको उठाए, उसको गिरफ्तारी करें, उनके परिवार को राहत प्रदान करें। बद्रीलाल सुमानी, सामाजिक संस्था प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़। SP महोदय को हमारी मांगे हैं कि मुलजी मुश्ताक खान को तत्काल गिरफ्तार और उसके कठिन कड़ी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मृतक धर्मराज के पुत्र का नाम शिक्षा दीक्षा पालन पोषण की व्यवस्था सरकार करे, उसके बच्चे की, धर्मराज के मृतक के बच्चे की, अभी वो बच्चा 2 साल का है, तो उसका भी भविष्य बर्बाद न हो, ये भी हमारी मांग है। तीसरी मांग है धर्मराज की पत्नी, जिसके साथ इसने गलत कार्य किया, उसके फोटो काट के उसे ब्लैकमेल किया और उसे इसको भी कुछ राजस्थान सरकार द्वारा उसे योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी दी जाए। हमारी चौथी मांग है मृतक धर्मराज के अपने माता पिता का इकलौता संतान था, अतः धर्मराज के वर्द हुए असहाय माता पिता को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके।